ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं। जी हाँ, मैं दोहरा रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नेता सुबह से जिस रिपोर्ट को, जिस तथाकथित रिपोर्ट के हवाले से अरविंद केजरीवाल जी को गाली दिए जा रहे हैं, वैसी कोई रिपोर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती। मैं चुनौती देके कहता हूँ कि रिपोर्ट लाइए, कहाँ है वो रिपोर्ट जिसको ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने अप्रूव किया हो और जिसको ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने साइन किया हो। आज सुबह से दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को लेके भारतीय जनता पार्टी एक रिपोर्ट, तथाकथित रिपोर्ट के हवाले से लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गाली दिए जा रही है। मैं सुबह से देख रहा हूँ कि मीडिया में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता आके, केंद्रीय मंत्री आके, प्रवक्ता आके, देश के बड़े बड़े नेता आके, जिनके ऊपर देश की बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, वो कुल मिला के कल आज सुबह से एक ही काम कर रहे हैं, मीडिया में बैठ के, ट्विटर पर बैठ के, सोशल मीडिया में अरविंद केजरीवाल जी को गाली दिए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट बताई जा रही है, तथाकथित रिपोर्ट, कि दिल्ली में जब कोविड का पीक था तो ऑक्सीजन की कमी नहीं थी और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ा चढ़ा के 4 गुना बताई गई थी, ऐसा तथाकथित रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। मैं उस तथाकथित रिपोर्ट का सच आपके सामने रखना चाहता हूं और सच ये है कि ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं। जी हां, मैं दोहरा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता सुबह से जिस रिपोर्ट को, जिस तथाकथित रिपोर्ट के हवाले से अरविंद केजरीवाल जी को गाली दिए जा रहे हैं, वैसी कोई रिपोर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती। जी हां, एग्जिस्ट ही नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन मामले की सुनवाई करते हुए एक ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी बनाई। हमने इस ऑक्सीजन कमेटी के, इस ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों से बात की, कई सदस्यों से बात की है। सबका यह कहना है कि उन्होंने तो कोई रिपोर्ट साइन ही नहीं की, अभी तक उन्होंने कोई रिपोर्ट अप्रूव ही नहीं की। जब ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने कोई रिपोर्ट साइन ही नहीं करी है, जब ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने कोई रिपोर्ट ऑडिट ही अभी अप्रूव ही नहीं की है, तो फिर यह रिपोर्ट है कहां? यह कौन सी रिपोर्ट है? ये रिपोर्ट कहां से आई? मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, जो सुबह से चैनल्स पर बैठ के चिल्ला रहे हैं, उनका गला थक गया होगा, थोड़ा सा पानी पिए आराम से और थोड़ा आराम से ठंडे दिमाग से सोच के देखें कि भाई ये रिपोर्ट कहां है जिसके बेस पे हम चिल्लाए जा रहे हैं सुबह से। रिपोर्ट कहां है? क्या कोई ऐसी रिपोर्ट है ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की जिसको उसके सदस्यों ने अप्रूव किया है, जिसको उसके सदस्यों ने साइन करके दिया है? मैं चुनौती देके कहता हूं कि रिपोर्ट लाइए, कहां है वो रिपोर्ट जिसको ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने अप्रूव किया हो और जिसको ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने साइन किया हो, लाइए वो रिपोर्ट, कहां है? झूठ की इंतहा होती है।
झूठ और मक्कारी की इंतहा होती है और भारतीय जनता पार्टी उस झूठ और मक्कारी के इंतहा पे पहुंच गई है, चरम पे पहुंच गई है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है सब जुडिशे से, और मैं कहना चाहता हूं कि सब जुडिशियस मामलों में इस तरह के षड्यंत्र ठीक नहीं है। हम सब जानते हैं कि दिल्ली में अप्रैल के महीने में जब कोविड अपनी पीक पे था तो ऑक्सीजन का संकट हुआ था। दिल्ली के वो लोग जिनके कोई अपने हॉस्पिटल में भर्ती थे वो इस बात को जानते हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की किस तरह से कमी हुई थी, और इस मैनेजमेंट की पूरी तरह से जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, क्योंकि उसने पूरे देश में ऑक्सीजन मैनेजमेंट का बंटाधार कर दिया था, पूरे देश में ऑक्सीजन का मैसअप कर दिया था। डॉक्टर्स ने चिल्लाया, हॉस्पिटल्स ने चिल्लाया, उसकी जिम्मेदारी लेने की जगह भारतीय जनता पार्टी बीजेपी हेडक्वार्टर में बैठ के कोई मनगढ़ंत रिपोर्ट बनाती है और फिर उसको जारी करके कहती है ये ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट है। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यह महाझूठ बोलते हुए। बीजेपी हेडक्वार्टर में बैठ के रिपोर्ट बनाते हो और उसको ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट कहते हो। अगर ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी ने कोई रिपोर्ट बनाई है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और तथाकथित बड़े बड़े नेता जो केंद्रीय मंत्री हैं वो रिपोर्ट जारी करें और बताएं कि उस पर कहां है ऑक्सीजन कमेटी रिपोर्ट साइन, ऑक्सीजन कमेटी के किस किस मेंबर ने साइन कर रखे हैं उस पर, ऑक्सीजन कमेटी के किस किस मेंबर ने उस रिपोर्ट को अप्रूव कर रखा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता बताएं। ये भारतीय जनता पार्टी जो है अपने हेडक्वार्टर में बैठ के रिपोर्ट बनाती है और फिर कहती है ये अरविंद केजरीवाल जी को गाली देने पर शुरू हो जाती है। ये वस्तुतः अरविंद केजरीवाल जी को गाली नहीं दे रहे हैं, ये उन तमाम लोगों को गाली दे रहे हैं जिन्होंने अप्रैल में ऑक्सीजन के मिसमैनेजमेंट के कारण, केंद्र सरकार के ऑक्सीजन मिसमैनेजमेंट के कारण अपने लोग खोए। वो तमाम लोग झूठ बोल रहे हैं जो बेचारे चिल्ला रहे थे अप्रैल में कि भाई हमारा मरीज हॉस्पिटल में भर्ती है, उनको ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन का इंतजाम करवा दीजिए। वो सारे डॉक्टर्स झूठ बोल रहे हैं जो कहते थे भाई हमारे यहां हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी है। वो सारे हॉस्पिटल झूठ बोल रहे हैं जो कहते थे हमारे यहां संकट खड़ा हो गया है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। वो सारे लोग झूठ बोल रहे हैं जो कोर्ट में गए थे, पेशेंट्स कोर्ट में गए, पेशेंट के अटेंडेंट कोर्ट में गए, हॉस्पिटल्स कोर्ट में गए, वो सब लोग झूठ बोल रहे हैं। सच यह है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता और उसके बड़े बड़े नेता झूठ बोल रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं कि अपनी पार्टी को संभाल लीजिए, बहुत ज्यादा झूठ बोलने लगी है। अब ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी नहीं रह गई है, अब ये बीजेपी भारतीय झगड़ालू पार्टी हो गई है। रोज झगड़ती रहती है किसी ना किसी से, झूठे चीजों पर झगड़ती रहती है। इसको किसी काम पर लगाइए, इसे कोई ढंग का काम दीजिए, नहीं तो ये ऐसी झगड़े करती रहेगी, झूठ बोल के झगड़े करती रहेगी। थैंक यू।